अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। चित्तूर शहर के मशहूर मारूफ बिजनेसमैन बिस्मिल्ला खान पठान और उनकी पत्नी और उनके वालिदा ये मुकद्दस जगह हज की जगह पर जा रहे हैं। उनके जाने के इस अवसर को देखते हुए यहाँ के नागरिकों ने मिलकर उन्हें पुष्पमालाएं पहनाकर उन्हें मुबारकबाद देते हुए दुआओं की गुजारिश की है। मुबारकबाद देते समय खदीर बापू, हाजी अब्दुल सत्तार साहब, हाजी साजिद साहब पिरानी साहब, इमरान पिरानी साहब, सादिद बेग मिर्जा, नजीब मुल्ला, पत्रकार शेख अलीम आदि मौजूद थे। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon, never miss an update. कृषि उत्पन्न बाजार समिति पेंशनर कर्मचारी संगठना की ओर से सर्वसाधारण सभा संपन्न आज तारीख 18 जून 2023 रविवार के रोज सर्वसाधारण सभा के संपन्न होते हुए इस सभा के अध्यक्ष आनंद राव देशमुख ये थे, तो प्रमुख अतिथि के तौर पर सचिव तरणीकर, कार्य अध्यक्ष रेंगे पाटिल, महादेव काले, लातूर जनरल सेक्रेटरी बी के रेंगे पाटिल, उसी तरह मराठवाड़ा और विदर्भ के पेंशनर कर्मचारी इस सर्वसाधारण सभा में हाजिर थे। इस सर्वसाधारण सभा में सभासदों के परिवर्तन के लिए अनेक ठराव लिए गए हैं। इस संगठन में 81,000 नकदी रकम रहते हुए 5,00,000 के FD रखे गए हैं और उसी तरह शासन की ओर से 3 करोड़ रुपए जमा है। इस समय शासन सेवानिवृत्तों को पेंशन दे ऐसा ठहराव सर्वसाधारण सभा में लिया गया। इस सभा में मराठवाड़ा और विदर्भ के सभासद बड़ी संख्या में हाजिर होने से इस बार बड़ी संख्या में सभासदों की संख्या देखकर सभी में उत्साह ही दिखाई दिया। 65 सेवानिवृत्त झाले त्यांना बाजार समितीच्या कायद्याप्रमाणे पेन्शन देणं आवश्यक आहे आणि तशी तरतूद बाजार समितीच्या कायद्यात आहे, त्यामुळे आम्ही शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करतो, परंतु शासन आमच्याकडे दुर्लक्ष करतं ते नक्की। शासनाकडे पुन्हा कोर्सेशन करा आणि शासनाला पत्रव्यवहार करा आणि त्यांना असं सांगायला जर तुम्ही करत नसाल तर मग नावे लागे ना आम्हाला तुमच्याकडे उपोषण करावं लागेल। तुमची फक्त पेन्शनची मागणी आहे, त्यांनी आम्हाला पेन्शन दिली पाहिजे। बाजार समितीच्या 63 आणि 67 कायद्यानुसार 108D प्रमाणे महाराष्ट्र शासनानं विशेष किंवा सामान्य आदेशाद्वारे बाजार समितीला पेन्शन मिळण्याच्या बाबतीत आदेश काढू शकते अशी तरतूद मार्केट कमिटीच्या कायद्यात आहे। पेन्शनची म्हणजे आम्ही शेवटी मग अमर उपोषण करू। जिंतूर शहर के अन्नाभाऊ साठे पुतला और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक रास्ते के दोनों बाजू से रुद्धीकरण यानी चौड़ाई होने के कारण यहां पर आने वाले अतिक्रमण को तोड़ा गया है और उसी तरह से इस रास्ते पर लगाए हुए झाड़ों को भी तोड़ने की संभावना जताते हुए इस बात को देखते हुए संभाजी ब्रिगेड की ओर से आज 18 जून 2023 रविवार रोज झाड़ों के आजू बाजू खड़े थे हुए इंसानों के हाथों में हाथ डालकर जंजीर बनाकर झाड़ों के पास चिपको आंदोलन किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी ये है कि अन्नाभाऊ साठे पुतला और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक दोनों बाजू से रास्ते के सीमेंट रास्ता तैयार होने के कारण यहां पर चौड़ाई का रुंदीकरण का काम जारी है। इस रुंदीकरण में बाधाएं निर्माण होने वाले अतिक्रमण एजेंसी विभाग की ओर से शुक्रवार 16 जून के रोज निकाल दिया गया, लेकिन इसी रास्ते पर दोनों बाजू से सामाजिक विविध संगठनाओं ने लगाए हुए झाड़े आज बड़ी हो चुकी है। वो धूप से नागरिकों को छांव दे रही है, सुरक्षा कर रही है। इस रुंदीकरण के कारण ये बाधाएं ठहरने वाले झाड़ों को भी बीएनसी विभाग की ओर से तोड़ने का मंसूबा बनाया हुआ है। इन झाड़ों तोड़ने के लिए इजाजत मांगते हुए उसका लिलाव करने के लिए बुलाया गया है। इस बात को देखते हुए पर्यावरण प्रेमियों ने, नागरिकों ने संभाजी ब्रिगेड की ओर से तारीख 18 जून रविवार के रोज पालिका के सामने लगाए हुए झाड़ों के आजू बाजू खड़े होकर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चिपको आंदोलन किया। इस बांधकाम विभाग की ओर से कर्मचारियों को पुलिस थाने में बैठक बुलाने के लिए बुलाया गया, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमारी चर्चा होगी ऐसा बताते हुए इस बात को टाल दिया गया। तभी सार्वजनिक बांधकाम विभाग के उप अभियंता सिरसाट और आंदोलनकर्ताओं की बातचीत हुई, उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन आंदोलनकर्ता अपने बात पर अड़े हुए हैं। इस आंदोलन में बालाजी शिंदे सोस्कर, बाला साहेब कादड़े, एडवोकेट माधव धावाड़े, विजय भामड़े, शरद ठोमरे, संदीप काले, नील गाड़कर, भजनाथ लांडे, सतीश इप्पर और अन्य छात्राओं के भी बड़ी संख्या में हाजिरी दिखाई दी। बड़े शहरों में
जाने की जरूरत नहीं। पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूलियात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। कार पलटी होने से PSI की मौत, 2 जख्मी। ड्राइवर के हाथों कार बेकाबू हो जाने के कारण कार पलटी खा जाने से इस एक्सीडेंट में PSI की मौत होते हुए 2 बुरी तरह से जख्मी हुए। ये घटना हिंगोली नांदेड़ रास्ते के मालेगांव पुल के सामने तारीख 17 जून 2023 शनिवार के रात 10:30 बजे के दरमियान ये घटना हुई है। PSI नीलकंठ डंगड़े ऐसे इस एक्सीडेंट में मृत्यु हुए PSI का नाम रहते हुए इस कार में के शिवाजी गायकवाड़ और गजानन राठौड़ ये जख्मी हुए। नीलकंठ डंगड़े ये नागपुर के शहर पुलिस दल में पहले PSI के तौर पर काम कर रहे थे, कार्यरत थे, ड्यूटी निभा रहे थे। 2 साल पहले ही उन्होंने खाते के विभाग के तहत परीक्षा देकर PSI पास हुए थे। वो हिंगोली जिले के औंडा नागनाथ तहसील के जाम गवान यहाँ के रहने वाले रहते हुए उनके पश्चात माँ, पिता और पत्नी और 2 लड़के ऐसा परिवार है। नीलकंठ ये फिलहाल में परीक्षार्थी SRP कैंप में आए हुए थे। काम के अवसर पर PSI नीलकंठ दंगड़े शिवाजी गायकवाड़ और गजानन राठौड़ ये हिंगोली से अखाड़ा बाड़ापुर की ओर कार से जा रहे थे। उसी समय हिंगोली नांदेड़ रास्ते पर मालेगांव पुल के सामने ड्राइवर का कार से नियंत्रण हट जाने के कारण कार पलटी हुई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही कलमनोरी पुलिस स्टेशन के PI वैजनाथ मुंडे और उनके सहयोगियों ने घटना स्थल पर जाकर जख्मियों को तुरंत उपजिला अस्पताल में ले गए। डॉक्टरों ने जांच करते हुए PSI नीलकंठ डंगड़े इन्हें मृत घोषित किया। दरमियान जख्मी हुए शिवाजी गायकवाड़ और गजानन राठौड़ इन पर प्रथम उपचार कर उन्हें आगे के इलाज के लिए हिंगोली और नांदेड़ की ओर रवाना किया गया है। परभनी जिला मध्यवर्ती बैंक के पेंशनर कर्मचारियों को एक जैसी महंगाई भत्ता न देते हुए उनमें भेदभाव किए जाने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल करने के संदर्भ में परभनी के DSM कॉलेज में मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में औरंगाबाद हाईकोर्ट के वकील युवराज भाराते इन्होंने कर्मचारियों को मार्गदर्शन किया। इस बैठक का नियोजन अन्ना साहेब गायकवाड़ और सौराज इंडिया के जिला अध्यक्ष गोविंद गिरी इन्होंने किया था। एडवोकेट भाराते इन्होंने इस बारे में बताया कि वर्ष 2004 तक बैंक सभी कर्मचारियों को एक जैसा महंगाई भत्ता देती थी, परंतु उसके बाद बैंक ने एक गैर कानूनी तौर पर ठहराव पास करते हुए कर्मचारियों को उनके पद के तहत अलग अलग महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। बैंक के लिए हुए इस निर्णय के गैर कानूनी होने के कारण कर्मचारियों में भेदभाव निर्माण हो रहा है। बैंक के इस निर्णय के खिलाफ में कोर्ट में याचिका दाखिल करने की और सभी कर्मचारियों को इसके बारे में जानकारी देते हुए इससे पहले भी बैंक के कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते के गैर कानूनी तौर पर लिए गए इस निर्णय के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। उस याचिका का निर्णय कर्मचारियों के तरफ से ही लगाया गया था और उच्च न्यायालय ने इस रुके हुए महंगाई भत्ते की रकम को ब्याज के साथ देने के आदेश पारित किए गए थे। आज लिए गए मीटिंग में औरंगाबाद के हाईकोर्ट के वकील युवराज भाराते ये भी मौजूद थे, इन्होंने मार्गदर्शन किया। हाईकोर्ट के वकील युवराज भाराते इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज DSM कॉलेज मध्य परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची मीटिंग घेण्यात आली। या मीटिंगचा विषय असा होता की बँकेने महागाई भत्ता देताना स्केल ॲप्लिकेबल केला। यापूर्वी MD असो किंवा प्यून असो सर्वांना एक समान महागाई भत्ता देण्यात येत होता, परंतु त्यांनी त्यानंतर एक रेझोल्युशन पास केला आणि त्या रेझोल्युशनच्या आधारे त्यांनी पदानुसार महागाई भत्ता देण्यासंदर्भात रेझोल्युशन पास केलं। तर हेच रेझोल्युशन आम्ही चॅलेंज करतो। आमचं असं म्हणणं आहे की हे डिस्क्रिमिनेशन आहे, Article 14 जे आहे कॉन्स्टिट्यूशनचं त्याचा भंग होतो आणि त्यामुळे आम्ही या संदर्भात मान्य न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करणार आहोत। त्या संदर्भात आज मीटिंग पार पडली। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना, हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, UP। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता
23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड आजम चौक से आगे तवक्कल मेडिकल के करीब परभनी महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ की ओर से रविराज पार्क में चर्मकार समाज के गुणवंत छात्राओं का सत्कार सम्मेलन संपन्न। आज तारीख 18 जून रविवार के रोज परभनी शहर के रविराज पार्क में अंबिका सभागृह, यहां राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ की ओर से चर्मकार समाज के 10वीं और 12वीं के गुणवंत छात्राओं का और MBBS IIT इस परीक्षा में गुणवंत छात्राओं का सत्कार सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सत्कार सम्मेलन के प्रमुख अतिथि के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर सुनील पंडरीनाथ घोंडगे, परभनी जिला अध्यक्ष परभनी पश्चिम अध्यक्ष मुरली ठोमरे, जाधव भारत सावने, डॉक्टर भारत नांदुरे, साधु ठोमरे, बाला साहेब घोड़के, ज्ञानेश्वर पान झाड़े, राम सुरो से अमोल गायकवाड़, पंडितनाथ घोड़के, मुरली ठोमरे आदि के साथ चर्मकार समाज के नागरिक, युवक और महिलाएं बड़ी संख्या में इसमें मौजूद थी। रविदास महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, विद्येची देवता सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, माता भीमाई यांच्या सर्व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विचाराशी नतमस्तक होऊन आज राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या वतीने मागील कित्येक वर्षापासून समाजातील लेकरांचा गुणगुरू केला जातोय। जे 10वी 12वी 75%पेक्षा जास्त मार्क घेतले त्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव समाजाची पाठीवर थाप म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम राबवत असतो। समाजाचाच कार्यक्रम आणि समाजाच्याच निधीवर आम्ही हा कार्यक्रम घेत असतो। कुणी या कार्यक्रमामध्ये स्वतःचे पैसे कोणी टाकत नाहीत। आम्ही आमच्या पद्धतीने कार्यक्रम राबवतो। समाज आम्हाला भरभरून प्रेम देतो, साथ देतो आणि त्यांच्यामुळेच हा कार्यक्रम पार पडलेला आहे। आणि ह्या कार्यक्रमाची आजची जी शोभा वाढवली तर आमचे आदरणीय आणि आमचे ज्येष्ठ डॉक्टर खंदारे साहेबांनी आम्हाला एवढं मोठं सभागृह दिलं केवळ समाजासाठी। आणि त्यांनी एक आम्हाला पुन्हा आणखी एक वचन दिलं की समाजाच्या कामासाठी मी कधी तयार आहो, समाजासाठी कुठल्या प्रकारचा निधी मी स्वीकारला जाणार नाही असं साहेबांनी आम्हाला सांगितलं। म्हणून आमच्या आज समाजाला सर्वांना कळालं की आज हा माणूस आमचा आज किती मोठा आहे आणि या माणसाचं किती मोठं मन आहे। त्यांनी आम्हाला याचे दान म्हणून आज दिवसभर दिलं विनामूल्य, त्याच्याबद्दल त्यांचे आम्ही जहां मिले सबन पन्न छोटा पड़े सब समुपस्थित रविदास रे प्रसन्न असा सम्मानतेचा संदेश देणारे श्री संत शिरोमणी गुरु रविदास जी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोलाचा गुरुमंत्र दिला शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा याच उक्तीवर या ठिकाणी आज आम्ही राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ जिल्हा शाखा परभणीच्या वतीनं या ठिकाणी गुणवंत विद्यार्थी सोहळा या ठिकाणी आयोजन केलं होतं। या कार्यक्रमासाठी आमच्या परभणी जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष पंडितनाथजी धोंगडे, मुरलीभाऊ ठोंबरे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष अनुराधाताई धोंगडे यांनी खूप मेहनत घेऊन या ठिकाणी कार्यक्रम यशस्वीरित्या असा पार पाडला। या ठिकाणी 75 विद्यार्थी मित्रांचे या ठिकाणी गुणगौरव करण्यात आला। या कार्यक्रमासाठी स्वतः डॉक्टर भारतजी नांदुरे, सुनीलजी जाधव या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे म्हणून साधूजी ठोंबरे या ठिकाणी उपस्थित होते। खूप चांगल्या प्रकारे असं या ठिकाणी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं। या ठिकाणी स्वतः समाज बांधवांनी आपल्या वतीनं आलेल्या विद्यार्थ्यांना एक मिनिट सर या ठिकाणी सोय केली होती। खूप छान असं या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजन करण्यात आलं होतं। या ठिकाणी पूर्ण जिल्ह्यातून जे आमचे तालुके आहेत पूर्णा, पालम, गंगाखेड, जिंतूर, सेलू, पाथरी या सर्व ठिकाणाहून या ठिकाणी जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थी या ठिकाणी आले होते। खूप छान असा या ठिकाणी आमच्या अध्यक्षांनी कार्यक्रम आयोजित केला, सर्वांनी या ठिकाणी हजेरी लावली आणि सर्वांचे मनं या ठिकाणी आज त्यांनी चर्मकार समाजाचे मनं जिंकलेले आहेत। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। उसी के साथ साथ अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।